हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद की गई हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को नूह में दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि नूह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद की गई हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को नूह में दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि नूह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद की गई हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को नूह में दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि नूह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद की गई हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को नूह में दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि नूह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद की गई हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को नूह में दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि नूह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।